जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसका है H2O। हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका है विटामिन ए। हमारे शरीर के रक्त में जल कितने परसेंट होता है? तो लगभग 90%। संपूर्ण भोजन आदर्श भोजन कहा जाता है? प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, दूध युक्त भोजन, विटामिन युक्त भोजन। इसका आंसर है दूध को संपूर्ण भोजन कहा जाता है। संतुलित आहार के आवश्यक अवयव हैं प्रोटीन व प्रयुक्त सभी। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है क्वाशियोरकर। महिलाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से आता है? तो विटामिन ई की कमी से आता है। दूध में चर्बी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 3.6%। हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन करना चाहिए उपयुक्त सभी। पौष्टिक, उपयुक्त, संतुलित, उपयुक्त सभी। हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 70 से 100 ग्राम पर डे। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। रक्त को जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, डी ऑप्शन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा। प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो विटामिन सी पानी में घुलनशील है। ए डी ई के, ए सब वसा में घुलनशील है। कौन से? ए डी ई के, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो भाप द्वारा पकाना। क्या द्वारा? भाप द्वारा। प्रोटीन का निर्माण होता है उपर्युक्त सभी से, कार्बन से, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, उपर्युक्त सभी से। हमारे शरीर में उपस्थित खून में हीमोग्लोबिन कौन सा तत्व तो बनाता है? तो लोहा। हड्डियों व दांतों की मजबूती के निर्माण में कौन सा तत्व तो सहायक है? तो फास्फोरस। विटामिन सी की कमी कारण कौन सा रोग हो सकता है? तो स्कर्वी। कौन सा खनिज लवण हड्डियों एवं मांसपेशियों में लचकता लाने में सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो शरीर के पोषण हेतु, शरीर को ऊर्जा हेतु, शरीर की बीमारी से बचाने हेतु, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जल सबसे शुद्ध है? तो तालाबों का, कुओं का, वर्षा का, नदियों का, वर्षा का जल। शरीर में कार्बोज का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना, मांसपेशियों मजबूत करना, प्रोटीन व वसा की बचत करना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। शरीर में नई कोशिकाओं के सेल निर्माण सहायक तत्व हैं? तो वे हैं आपके प्रोटीन। शरीर में खनिज लवणों का कार्य क्या है? तो दांत हड्डियों का निर्माण करना, रक्त एवं अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखना, रक्त का निर्माण करना, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया। प्रोटीन कौन सा यौगिक कहते हैं? कार्बनिक। कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाला तत्व कहलाता है, तो ये कहलाता है कार्बोज। हमारे शरीर में विटामिन ए निम्नलिखित कार्य करता है? तो उपयुक्त सभी। हमारे शरीर में विटामिन डी निम्नलिखित कार्य करता है? तो उपयुक्त सभी। हड्डी दांतों को मजबूत करता है, फास्फोरस, कैल्शियम अम्ल को पचाने का कार्य करता है, शरीर विकास के हेतु सहायक है। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट होती है। इसमें कौन सी होती है? कोबाल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं है? ए डी ई के। ए डी ई के में कौन सा हो गया? टोकोफाइल और रेटिनॉल। डी सही। निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा शैवाल एकल कोशिका प्रोटीन की तरह प्रयुक्त होता है? तो ये है आपका स्पाइरुलिना। अनुवांशिक रूपांतरण गोल्डन राइस का आविष्कार किसकी कमी से लड़ने के लिए किया गया? तो विटामिन ए की कमी से। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। हम प्रोटीन जंतु तथा पादप दोनों से प्राप्त करते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। हमारे शरीर का वजन लगभग 23% हिस्सा प्रोटीन का होता है। इसमें सा सही है, यही गलत है। पूछा गया है गलत कथन, तो यही गलत कथन है।
तो प्रश्न 6 सम्मिलित कीजिए, तो सम्मिलित ये करना है विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 होता है थायमिन सी, विटामिन बी2 वो ए होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3, विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, विटामिन बी3 नियासिन। तो ये ABCD इसका मिलान है, ABCD मिलान, तो CABD इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग कैरोटीनॉइड का मुख्य स्रोत है, कैरोटीनॉइड, तो फल एवं सब्जियां। थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी के कारण होता है, तो जे आयोडीन। रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए विटामिन है, तो वह फॉलिक एसिड और विटामिन B12। फॉलिक एसिड विटामिन B12 स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत में पी कॉम्प्लेक्स विटामिन को संश्लेषित करता है वह है कौन, तो वह है आपका बिफिडो बैक्टीरिया।